Eclipse is nothing but the obstruction of light of a heavenly body. ठीक है? For example, अगर मैं आपको example दूँ, suppose अगर ये जो bulb है यहाँ पर लगा हुआ, suppose ये sun है, it is a heavenly body, और मैं earth हूँ, तो अगर sun और earth के बीच में अगर ये मेरा हाथ आ रहा है, suppose ये moon है, तो क्या हुआ बेटा? ये moon की छाया मेरे ऊपर पड़ रही है, और मुझे सूरज नहीं दिख रहा है, तो मैं तो बेटा जो भी मैं eclipses observe करूँगा, वो तो मैं earth से करूँगा ना, तो मैं earth से मैं देख रहा हूँ अभी, मैं सूरज को देख रहा हूँ, सूरज में ग्रहण लग गया है, सूरज मुझे दिख नहीं रहा है ना, तो ग्रहण मतलब क्या क्या हो रहा है? उस ऑब्जेक्ट की, उस हेवनली बॉडी की लाइट क्या हो गई है? ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, रुक गई है. क्यों रुक गई है? वो पार्शली भी रुक सकती है. अच्छा, मुझे आधा दिख रहा है, आधा बल्ब दिख रहा है ना, अभी मुझे पूरा बल्ब नहीं दिख रहा. ठीक है, तो ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है लाइट का, या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है. ठीक है, ऑफ लाइट ऑफ अ हेवनली बॉडी फ्रॉम अनदर हेवनली बॉडी, जो क्या करे, दो हेवनली बॉडी के बीच में आ जाए. इसकी मैं अभी आपको पूरी डेफिनेशन लिखाऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? अब मुझे सन नहीं दिख रहा है. सन क्या हो चुका है? सन कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, सन की लाइट मेरे ऊपर नहीं पहुँच रही. तो ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया. सूर्य ग्रहण हो गया, और सूर्य ग्रहण कब होता होगा? अब आप समझ गए, जब अर्थ और सन के बीच में क्या आता है? मून. व्हेन मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? सोलर इक्लिप्स. तो इक्लिप्स की हम डेफिनेशन क्या करेंगे बेटा? एक बार एटलस देना, जरा लिखना. अच्छा, अब ये चीज भी ध्यान रखना कि इट कैन बी अ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट और अ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट. तो लिखना इसमें, राइट डाउन अ पॉइंट, अ पार्शियल और अ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट एक्लिप्स क्या है? अ पार्शियल और अ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, ओ बी एस टी आर यू सी टी आई वन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ हेवनली बॉडी, ऑफ अ हेवनली बॉडी. ठीक है, ऑफ अ हेवनली बॉडी बाय अनदर हेवनली बॉडी, बाय अनदर हेवनली बॉडी, बाय अनदर हेवनली बॉडी, बाय अनदर हेवनली बॉडी पासिंग बिफोर इट, बाय अनदर हेवनली बॉडी पासिंग बिफोर इट, पासिंग बिफोर इट. सो एक्लिप्स की डेफिनेशन बहुत ईजी है. एक्लिप्स का मतलब क्या है? कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए हेवनली बॉडी. किसी हेवनली बॉडी की लाइट मुझ तक नहीं पहुँच रही है. क्यों क्यों हो रहा है वो? लाइट क्यों नहीं पहुँच रही? क्योंकि उसके उसके बीच में एक दूसरी हेवनली बॉडी आ गई है बेटा ना. सो इट इज अ कंप्लीट और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए हेवनली बॉडी बाय अनदर हेवनली बॉडी पासिंग बिफोर इट. ओके, सो देर आर बेटा टू वेराइटीज ऑफ इक्लिप्सिस. ठीक है, पहला है मेरा सोलर इक्लिप्स, दूसरा है मेरा लूनर इक्लिप्स. ठीक है, लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण. तो हेडिंग डालना सोलर इक्लिप्स, हेडिंग डालना सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स. ठीक है बेटा, सोलर मतलब अब जो इक्लिप्स हो रहा है वो सन के ऊपर हो रहा है, मतलब जो ग्रहण लग रहा है वो सूर्य के ऊपर लग रहा है. सो वी विल ऑब्जर्व इट फ्रॉम द अर्थ. तो अर्थ से जब हम सूरज को देखेंगे तो बीच में कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि बियॉन्ड सूरज कुछ नहीं आ सकता. सूरज और अर्थ के बीच में ही आएगा, और वो बीच में कौन सी हेवनली बॉडी आ सकती है? मून ही आ सकती है, और क्या आ सकती है? ठीक है, क्योंकि मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. तो डायग्राम कैसे बनाऊंगा बेटा, यहाँ देखना मैं. ठीक है, अच्छा, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, सपोज दिस इज मून, एंड सपोज दिस इज सन, सन. ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि सर आपने सन छोटा क्यों बनाया. हाँ, सन इज सो फार, दैट्स वाई इट इज लुकिंग ऑफ दिस साइज, दैट्स वाई इट लुक्स ऑफ दिस साइज. ठीक है, इट्स सो फार. वैसे तो कंपैरेटिवली तो सन तो बहुत ही बड़ा है. ठीक है, हम सिर्फ अभी एक्लिप्स को ऑब्जर्व करने के लिए. अच्छा, जब आप, अच्छा अब सी बेटा, अब सन की लाइट कैसे पड़ेंगी, दैट यू हैव टू सी. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. ठीक है, रेज ऑप्टिक्स का पार्ट है. तो इट्स वेरी इजी. देखो बेटा कैसे कैसे पड़ती है रेज, मैं रेड से रिप्रेजेंट करूंगा उस चीज़ को. ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से रेज आएंगी 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 ऐसे और ऐसे, और एक यहाँ से आएगी ऐसे 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 और ऐसे. ठीक है,
और कैसे आ सकती है, और यहां से ऐसे भी आती है, दिस इज द रे डायग्राम, ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है. एरोज आर इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज हैपनिंग बेटा, सी अब सन हैज इट्स ओन लाइट, सन की अपनी लाइट है, ठीक है. तो वो लाइट आ रही है, तो बीच में क्या आ गया, मून आ गया. तो कहीं ना कहीं मून की शेडो किस पे पड़ रही है, अर्थ पे. और दो शेडोज पड़ रही है बेटा, आप कभी ऑब्जर्व करना ना, आप अपनी शेडो को ऑब्जर्व करना, तो यू विल फाइंड टू काइंड्स ऑफ शेडोज. एक आपको लाइट शेडो दिखेगी थोड़ी सी हल्की, और एक आपको डार्क शेडो दिखेगी ना. आप कभी ऑब्जर्व करना, कभी धूप में जाना, यू विल फाइंड इट, ठीक है. सो हियर ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है बेटा, दिस पोर्शन, इस पोर्शन में क्या होगी बेटा, कैसी शेडो होगी, डार्क शेडो. इस वाले पोर्शन में कैसी शेडो होगी, डार्क शेडो. और जो ये पोर्शन है बाकी का, इसमें कैसी शेडो होगी, लाइट शेडो. अच्छा, डार्क शेडो को हम क्या बोलते हैं, हाँ, उम्ब्रा. और लाइट शेडो को पेनुम्ब्रा. सो देर आर टू टर्म्स फॉर दिस शेडोज. इन शेडो के लिए दो टर्म्स दिए हैं बेटा, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा. सो यू शुड नो दिस डार्क शेडो इज नोन एज उम्ब्रा, एंड दिस लाइट शेडो इज नोन एज पेनुम्ब्रा, ठीक है. सो दिस शेडो, सपोज अगर हम अर्थ के येले हिस्से में बेटा, तो जहां पर भी डार्क शेडो होगी वहां पर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा. कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि यहां से आपको सूरज बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण या कंप्लीट सोलर इक्लिप्स यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम द उम्ब्रा रीजन ऑन द अर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उम्ब्रा रीजन का मतलब क्या है, जहां पर डार्क शेडो गिर रही है मून की अर्थ पे. जितने भी लोग इस एरिया में रहेंगे उनको उनको क्या दिखेगा, उनको दिखेगा कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, पूरा सूर्य ग्रहण दिखेगा. जो लोग यहां पर होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेरा हाथ मून है, मैं अर्थ हूं, ऐसे मून आया बिकॉज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ऐसे आया तो इसने अब धीरे धीरे क्या करा, इसने अब सूरज को ढकना इसने स्टार्ट कर दिया. तो अभी मैं यहाँ से कैसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पार्शियल सोलर इक्लिप्स. तो यहाँ से ढकना शुरू कर दिया, पूरा ढक दिया इसने, अब कंप्लीट सोलर इक्लिप्स. अब धीरे धीरे अब निकल रहा है, तो अभी फिर से पार्शियल सोलर इक्लिप्स, तो यहाँ से निकल रहा है और फिर ऐसे, ठीक है. सो इन द सेम वे अगर जैसे एज यू नो दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, सो व्हाट विल हैपन बेटा, मून ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ के लोगों को क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ के लोगों को फिर सूरज दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना. यहाँ के लोगों को तो सूरज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मून जा रहा है, ठीक है. और यहाँ के लोगों को कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण, और यहाँ के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण हो रहा होगा, धीरे धीरे चंद्रमा सूरज के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स विच आर लाइटर शेडो नोन एज पेनुम्ब्रा. मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है, दिस रीजन इज नोन एज पेनुम्ब्रा, PENUMBRA, एंड दिस रीजन इज नोन एज उम्ब्रा, UMBRA. सो फ्रॉम द उम्ब्रा रीजन ऑन द अर्थ यू विल ऑब्जर्व कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, एंड फ्रॉम पेनुम्ब्रा रीजन्स ऑन द अर्थ यू विल ऑब्जर्व पार्शियल सोलर इक्लिप्स. एंड दिस एरिया इज अराउंड 100 किलोमीटर स्क्वायर ओनली, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया नहीं है. सो इस एरिया में, क्योंकि एज यू नो दैट मून इज रिवॉल्विंग, सो इस एरिया में आप सिर्फ 6 से लेकर 7 मिनट तक ही यू विल ऑब्जर्व कंप्लीट सोलर इक्लिप्स. तो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स आप सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, नॉट थ्रू योर नेकेड आइज ना. क्योंकि जब सनलाइट जब मून के रफ सरफेस से टकराती है तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, तो उससे आपकी आँखें खराब हो सकती हैं, ठीक है. तो उसके वजह से वी यूज सम फिल्टर्स टू सी और टू ऑब्जर्व सोलर इक्लिप्स, ठीक है. तो पोजिशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेन सोलर इक्लिप्स विल अकर, वेन द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है. तो लिखना, पहला पॉइंट लिखना, इसमें लिखना सोलर इक्लिप्स अकर्स, सोलर इक्लिप्स अकर्स. पोजिशन लिखो SOLAR, सोलर स्पेलिंग से लिखो SOLAR, सोलर. सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून
when the moon comes in between the sun and the earth, when the moon comes in between the sun and the earth, कोई शक इसमें फिलहाल? कोई शक? अच्छा, now ठीक है, पोजीशन हमें समझ में आ गया, लोकेशन हमें समझ में आ गई, मून बीच में होना चाहिए बेटा अर्थ के और सन के. कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स भी बच्चों से पूछे गए, लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम विच रीजन यू विल ऑब्जर्व कंप्लीट सोलर इक्लिप्स एंड फ्रॉम विच रीजन यू विल ऑब्जर्व पार्शियल. सो डेफिनेटली फ्रॉम द उमरा रीजन ऑन द अर्थ. इसको उमरा रीजन बोलते हैं बेटा, जहाँ डार्क शेडो गिर रही है अर्थ पे मून की, उसको हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं? उमरा रीजन. सो द कंप्लीट सोलर इक्लिप्स इज ऑब्जर्व फ्रॉम द उमरा रीजन ऑन द अर्थ एंड इम्पार्शियल फ्रॉम द पेनउमरा रीजन ऑन द अर्थ. अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट, अ कंप्लीट सोलर इक्लिप्स इज ऑब्जर्व्ड. इक्लिप्स की स्पेलिंग से लिखना बेटा, अ कंप्लीट सोलर इक्लिप्स इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द उम्ब्रा रीजन. ब्रैकेट में लिख लेना डार्क शेडो फ्रॉम उम्ब्रा रीजन ऑन द अर्थ. And partial solar eclipse from penumbra region on the earth. It is observed for 6 to 7, for 6 to 7 minutes. बट हम लोग सोलर इक्लिप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? सूर्य ग्रहण स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है, हमने बचपन से पढ़ा है. यू विल फाइंड दिस इन द फ्रंट पेज ऑफ पेजेस ऑफ योर एटलस ऑल्सो, ठीक है? एटलस के फ्रंट पेजेस में आपको मिल जाएगा. लोकेशन इज इंपॉर्टेंट. सोलर इक्लिप्स कब ऑब्जर्व होगा? वेन द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन. हाँ, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट टू रीजन्स ऑन द अर्थ इज इंपॉर्टेंट, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा. डार्क शेडो को हम लोग क्या बोलते हैं? उम्ब्रा. और लाइट शेडो को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेनुम्ब्रा जहाँ आपने लिखा ब्रैकेट में लाइट शेडो जरूर लिख लेना, वो मैंने लाइट शेडो नहीं लिखा है आपको, ठीक है? जो आगे आपने कंटिन्यू किया था ना पेनुम्ब्रा, हाँ, ब्रैकेट में लाइट शेडो भी लिख लेना, कभी कभी इतना भी एग्जाम में आ सकता है. अच्छा चलो, ड्रॉ दिस डायग्राम. कुछ बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाया, ड्रॉ द डायग्राम एंड देन विल कंटिन्यू. खा दूंगा. इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड सोलर इक्लिप्स, सो देयर इज अ फिनोमेना व्हिच इज नोन एज डायमंड रिंग. सो व्हाट विल हैपन व्हेन द लाइट ऑफ द सन विल बी कंप्लीटली ऑब्स्ट्रैक्ट? व्हाट विल हैपन? अब ये सन है, चंद्रमा बीच में आ चुका है, तो आपको सिर्फ साइड की ऐसी लाइट दिखेंगी, क्योंकि बीच में पूरा क्या आ चुका है? मून आ चुका है, तो साइड की लाइट दिखेगी. दैट फिनोमेना, वो एक रिंग काइंड ऑफ फिनोमेना बोलते हैं उसको, हम लोग डायमंड रिंग बोलते हैं. ये एग्जाम में आया है. दिस डायमंड रिंग फिनोमेना इज रिलेटेड टू विच इक्लिप्स? ये एग्जाम में आया, ठीक है? तो याद रखना, डायमंड रिंग फिनोमेना इज रिलेटेड टू सोलर इक्लिप्स, ठीक है? वो इमेजेस के यहाँ थोड़ा सा नेट स्लो चलता है, अदरवाइज ये ऐसा, ठीक है? ये कुछ रिंग टाइप का दिख रहा है, डायमंड रिंग, ठीक है? तो ऐसे जब ग्रहण होता है, ऊपर रिंग भी आ रखी है, मत देखना, ठीक है? इसको बैलीज बीड्स भी बोलते हैं इस फिनोमेना को, ठीक है? तो वो मैं लिखा दूंगा, लेकिन ये आपके लिए देखना जरूरी है. तो लिखना अगला पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में आए हैं, ठीक है? तो लिखना डायमंड रिंग इफेक्ट occurs during the time of total solar eclipse. Diamond ring effect occurs during the time of total solar eclipse and it is also called Bailey's Beats effect, ठीक है? BAILY BEADS, Bailey's Beats effect. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है?
वो डायमंड रिंग इफेक्ट याद रखना, वो मैंने आपको इमेज भी दिखा दी है, ठीक है? कोई शक किसी को? हाँ, अच्छा, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सोलर इक्लिप्स. अब पढ़ते हैं लूनर इक्लिप्स, ठीक है? अब आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया है. अच्छा, लूनर इक्लिप्स का मतलब क्या है? अब बेटा ध्यान से देखना, इसको प्रैक्टिकली समझना भी है. लूनर इक्लिप्स का मतलब, अब आपने सोलर इक्लिप्स में क्या पढ़ा? अच्छा, बेलीज बीट्स कहा मैंने, स्पेलिंग देख लेना. आपने सोलर इक्लिप्स क्या पढ़ा? कि वेन मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है? अब अगर आपको ग्रहण किस में करना है? मून पे. तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई बीच में सन आ जाएगा. मून और अर्थ के बीच में तो कोई हेवनली बॉडी आ ही नहीं सकती ना, इसलिए ना कि सर सन आ जाएगा बीच में, ठीक है? तो कैसे दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा? हाँ, जब भी मून ऐसे रिवॉल्व होकर यहाँ पहुँचेगा, तो इस साइड से जब लोग देखेंगे, यहाँ पर तो नाइट होगा, यहाँ पर डे होगा नाइट. जब इस तरफ से लोग देखेंगे तो अर्थ की शेडो गिरेगी किस पे? मून पे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, पीछे से मैं, जैसे मैं हूँ, मैं अर्थ हूँ और मेरी शेडो इस पर गिर रही है, तो इसके ऊपर ग्रहण लग गया. जैसे मेरी शेडो है उसमें ग्रहण लग गया, ठीक है? तो अर्थ की शेडो जब किस पे गिरेगी? मून पे गिरेगी. दैट फिनोमेना इज नोन एज लूनर इक्लिप्स ना. और हम देखेंगे जो इसकी डार्क शेडो होगी, उमरा वो रीजन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अर्थ बड़ा है ना बेटा एज कम्पेयर टू मून. तो जो उसकी इमेजेस, जो उसकी शेडोज आएंगी, डार्क एंड लाइटर शेडोज, वो बहुत बड़ी होंगी, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ. डायग्राम इज अगेन वेरी इजी, इसी को मुझे घुमाना पड़ेगा बस, ठीक है? और बेटा, जब हमने फेजेस ऑफ मून पढ़ा था ना, तो फेजेस ऑफ मून में मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका न्यू मून है और यहाँ पर आपका फुल मून है, तो मैंने बताया था बेटा अभी यहाँ पर अर्थ की शेडो नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन एलिप्टिकल पाथ इज सच अ वे दैट कभी कभी पड़ती है. तो आपने देखा होगा कि लूनर इक्लिप्स कोई ऐसा फिनोमेना तो है नहीं कि जो महीने में दो तीन बार होता हो ना, रेयर फिनोमेना है, साल में एक बार वाला फिनोमेना है. तो लूनर इक्लिप्स ठीक है. अच्छा, अगर ये सन है, इफ दिस इज सन एंड सपोज इफ दिस इज अर्थ एंड सपोज इफ दिस इज मून, ठीक है? सो नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है? मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, ये सिंपल चीजें हैं बेटा. इसमें कोई यहां से ऐसे एक रे, लाइट रे ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है? और आपको एरो दिखाने पड़ेंगे. तो जो ये ली, अब ये तो मून है बेटा. अब आपको पता है कि मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो मून रिवॉल्व कर रहा है, मून यहां पर भी पहुंचेगा, मून यहां पर भी होगा, ऐसे जा रहा है, फिर मून यहां से बाहर भी निकलेगा, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा और ऐसे बाहर भी होगा, ठीक है? तो ये जो येली शेडो है बेटा, जो येली शेडो है, ये शेडो कैसी होगी? इसको मैं क्या बोलूँगा? उमरा, उमरा, डार्क शेडो. और जो येली शेडो कैसी होगी? पेनुमरा. ये जो शेडो है वो है पेनुमरा. तो अब आप सोचो बेटा, दिस उमरा रीजन इज ह्यूज ना एज कम्पेयर टू मून. तो जब मून इसको क्रॉस करेगा तो टाइम लगेगा ना बेटा, लगेगा ना टाइम, ठीक है? तो वो तो आपने देखा होगा 6 to 7 minutes. हाँ बेटा, इट लास्ट फॉर 3 to 4 hours अराउंड, ठीक है? सो इट लास्ट फॉर अराउंड 3 to 4 hours. तो 3 to 4 hours के लिए आप चंद्र ग्रहण देख सकते हो, ठीक है? और ये नाइट फिनोमेना है, इस तरफ नाइट होगी, इस तरफ जो लोग ऑब्जर्व करेंगे अर्थ से, ठीक है? सन की रेज ऐसे गिरेगी तो इतना तो मालूम होना चाहिए आपको कि यहाँ पर दिस पोर्शन विल बी द नाइट, ये डे ये नाइट, ठीक है? तो इसमें क्या होगा बेटा, लूनर इक्लिप्स कब होता है? व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून. दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट पोजिशन वाइज. एंड द सेकेंड पॉइंट, द कम्प्लीट लूनर इक्लिप्स विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम उमरा रीजन. उमरा रीजन, ठीक है? उमरा इज नथिंग बट द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून. पेनुमरा इज नथिंग बट द लाइटर शेडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून. तो लाइटर शेडो में आपको क्या दिखेगा? पार्शियल लूनर इक्लिप्स, ठीक है? तो सेम वही पॉइंट लिखेंगे. तो लिखना इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट लिखना. तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, लूनर इक्लिप्स अकर्स, या इट अकर्स, इट अकर्स, इट अकर्स व्हेन, इट अकर्स व्हेन, इट अकर्स व्हेन द अर्थ, व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, व्हेन द अर्थ कम्स, when the earth comes in between, when the earth comes in between, in between, in between the sun and the moon,
in between the sun and the moon. अगला पॉइंट ठीक है, लिखना कंप्लीट लूनर इक्लिप्स इज ऑब्जर्व्ड when the moon passes through the umbra shadow when the moon passes through the umbra shadow of the earth, passes through the umbra shadow of the earth and partial lunar eclipse when it passes through penumbra shadow of the earth and partial lunar eclipse when it passes through the penumbra shadow of the earth ठीक है. अगला पॉइंट लिखना, याद रखना बेटा उम्रा शेडो इज द डार्क शेडो ठीक है एंड पेनुम्ब्रा इज द लाइट शेडो. यू शुड नो दिस. हमेशा अगर आप शेडो देखोगे तो यू विल हैव वन डार्क एंड वन ना डार्क के बगल में लाइट शेडो भी आएगी आपको ठीक है. ओके अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है अगला पॉइंट क्या है कि इट लास्ट फॉर अराउंड 3 to 4 hours. तो लिखना इट लास्ट फॉर अराउंड थ्री टू फोर आवर्स. तो तीन से चार घंटे के लिए यू विल ऑब्जर्व व्हाट लूनर इक्लिप्स ठीक है. अच्छा तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. क्विक रिवीजन, हमने देखा सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स में हमने क्या देखा, व्हेन मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन ठीक है, और उस केस में अगेन जो मून की जो शेडो गिरेगी अर्थ पे, तो अगेन दो काइंड्स ऑफ शेडो होगी. वो एक डार्क शेडो होगी जिसको उम्रा बोलेंगे, और उम्रा रीजन काफ़ी छोटा होगा क्योंकि मून की शेडो है, इट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में वो अर्थ में फैली होगी. तो उतने एरिया के लोग कंप्लीट सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक है. सो इट्स अराउंड 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि इट लास्ट ओनली 6 to 7 minutes ठीक है, 6 से 7 मिनट के लिए ठीक है. और उसके अलावा डायमंड रिंग वाला इफेक्ट याद रखना, दैट डायमंड रिंग वाला इफेक्ट विल ऑब्जर्व इन कंप्लीट या टोटल सोलर इक्लिप्स ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. और उसको बेलेज बीट्स भी हम लोग कहते हैं. अगर मैं बात करूँ लूनर इक्लिप्स की, तो पोजिशन इज इंपॉर्टेंट. पोजिशन क्या है, वेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून. उसके अलावा अगेन देर आर टू शेडोज ऑफ द अर्थ, डार्क शेडो इज नोन एज उम्रा रीजन, और जब इस उम्रा रीजन में मून होगा यू विल ऑब्जर्व कंप्लीट लूनर इक्लिप्स, और जब वो पेनुम्ब्रा रीजन में जाएगा यू विल ऑब्जर्व पार्शल. एंड एज यू कैन सी दैट दिस उम्रा रीजन इज ह्यूज एज कम्पेयर टू मून, दैट्स वाई यू कैन ऑब्जर्व लूनर इक्लिप्स फॉर अराउंड 3 to 4 hours. दैट्स इट ठीक है. तो लूनर इक्लिप्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया. इक्लिप्स वी हैव कंप्लीटेड ठीक है. कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखना.